नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर फरुखाबाद से। ग्राम पंचायत गुर्जरपुर थाना कंपिल जनपद फरुखाबाद में नवनिर्वाचित प्रधान ईश्वर दयाल पुत्र माता दीन निवासी गुर्जरपुर थाना कंपिल जनपद फरुखाबाद 16 मई को भूतपूर्व प्रधान पुत्र अनिल प्रताप सिंह द्वारा वर्तमान प्रधान को जान से मारने की धमकी और कई केसों में फंसाने की धमकी दी गई। भूतपूर्व प्रधान अनिल प्रताप सिंह नया पंचायत भवन में पड़ी हुई निर्माण के लिए जो ईंटें आई थीं उनको अपने घर ले जा रहे थे। जब वर्तमान प्रधान को पता लगा तो उन्होंने वहां पर जाकर पता किया। बताया गया कि भूतपूर्व प्रधान पुत्र के घर जा रही हैं ईंटें। नवनिर्वाचित प्रधान ईश्वर दयाल ने ग्राम पंचायत सचिव को बताया। ग्राम पंचायत सचिव ने प्रधान पुत्र से बात की, उसके बाद नवनिर्वाचित प्रधान ईश्वर दयाल का कहना है कि प्रधान पुत्र अनिल प्रताप सिंह ने मेरे पास कॉल करके मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि 6 महीने तक प्रधानी नहीं करने देंगे, 6 महीने के अंदर या तो मुझे जान से मार देंगे या जेल पहुंचा देंगे। नवनिर्वाचित प्रधान का कहना है कि मुझे जाति सूचक भी गालियां दी, जो प्रधान पुत्र एक गुंडा टाइप का प्रधान है जिसका पिछले इलेक्शन में भी वोटों के पीछे 2 प्रत्याशियों में झगड़ा हुआ था जिसमें गोली तक चल गई थी, जिसमें प्रधान पुत्र कुछ दिन जेल भी काट चुके हैं और वोट डालने के लिए प्रधान पुत्र ने गाँव के ही पत्रकार से पोलिंग बूथ पर गाली गलौज भी की थी। प्रधान पुत्र और उनकी पत्नी रजनी जो कि आंगनवाड़ी हैं, उन पर FIR हो चुकी है, जिसमें जनता का भी कहना है कि नवनिर्वाचित प्रधान का फोन हैंड फ्री था। प्रधान पुत्र अनिल प्रताप सिंह ने जान से मारने की धमकी और जाति सूचक गालियां दी। क्षेत्र पंचायत इलेक्शन भूतपूर्व प्रधान प्रत्याशी हार गए, अब अपने पास प्रधानी ना पहुंचने के कारण प्रधान पुत्र गालियां दे रहा है और जिसकी गुंडई दबंगई के चलते पिछली प्रधानी में भी कई घोटाले किए गए। प्रधान पुत्र के घर में ग्राम पंचायत का राशन डीलर है और उसकी पत्नी रजनी राठौर आंगनवाड़ी में मिनी कार्यकर्त्री हैं, जो सारे पद प्रधान पुत्र के घर में ही हैं। एक सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता भी है। क्या नाम? मेरा नाम जय प्रकाश है। अच्छा, कहाँ के निवासी आप? मैं गुर्जरपुर का निवासी हूँ। अभी प्रधान के साथ क्या घटना घटित हुई? अनिल प्रधान ने सीधी धमकी दी है मारने की, जान से मारने की धमकी दी। हाँ जी। अच्छा, क्या धमकी दी? धमकी बोले अभी तो हमारे एंटर में सब कुछ है, हम चाहे तुम्हें जुतिया जुतिया आगे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि अभी हम तुम्हें 6 महीना के अंदर अंदर करवा सकता हूँ। हाँ। और जो घर के ग्राम गुर्जरपुर जो स्कूल है, हाँ, जो उनकी ईंटें हैं वो अनिल प्रधान जी के, हमारा भी हक है, हम ले जा सकते हैं उसे। अच्छा, मतलब सरकारी संपत्ति? हाँ, सरकारी संपत्ति लेना चाहते हैं। अच्छा, जब जब मैंने गाली गलौज दी तब तुम यहीं थे? हाँ, मैं उनके पास थे। तो फोन क्या हैंड फ्री था क्या? हाँ, फोन हैंड फ्री था। अच्छा, ठीक। नाम? कहाँ के निवासी आप? अभी प्रधान के साथ क्या घटना घटित हुई? घटना हुई है, ये गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, जब से ये हमारे जो प्रधान हुआ उसको मारने की, तो 6 महीने नहीं चलने देंगे, 10 दिन नहीं चलने देंगे। ये कोई इलेक्शन लड़ा था क्या? हाँ, इलेक्शन लड़ा था VDC का। VDC का, उसमें क्या हुआ? हार गया, इसलिए वो देना गाली दे रहा है। अच्छा अच्छा, यानी खिजानी बिल्ली खम्बा नोच रही है, वो हाल है इसका। नाला करते हैं तो यही करते हैं, समझे? और उसे कोई चीज को मामला उसे जरूर है मालूम है कि हमारे नाम से कोटा है। कोटा किसके नाम है? कोटा संगीता। अच्छा, और आंगनबाड़ी इनकी पत्नी है? आंगनबाड़ी इनकी रजनी राठौर इनकी पत्नी है। और इनके पास इससे पहले प्रधानी का पद भी था? हाँ, यानी माँ के नाम से प्रधानी पद था, यानी ग्राम पंचायत में गुर्जरपुर में जितने भी पद हैं सब भूतपूर्व प्रधान अनिल, सारे पद उनके, 3 पद उनके पास। अच्छा, ठीक। 3 पद हैं, कोटा भी उनके पास है। हाँ, और देखो जो मान लो आंगनबाड़ी भी हुई है, अपरेरक भी वही है, प्रधानी भी। अच्छा, सारे पद उन्हीं के पास है। और कुछ लोग अभी राशन बटा है तो कुछ लोगों ने शिकायत किया है तो गल्ला मान लो काट के दिया गया है। कितना गल्ला दिया गया है? अब ये नहीं, दो मान लो किसी को 2 किलो काट लिया, किसी का 4 किलो काट लिया। अच्छा। 2 मिनट पे मान लो 2 किलो का मान लो काट लिया। बहुत है, एक विनीता है, वीरेश की पत्नी, वो विधवा है, उसने भी मान लो शिकायत की। फरुखाबाद जनपद ब्यूरो, अनिल कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।